भागदौड़ वाले ज़माने में हम बिना चाहते हुए भी लापरवाह होते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं मनोरंजन इस वक्त मौजूद हूँ SCG कैंसर हॉस्पिटल रांची के प्रांगण में। हमारे पास एक ऐसा केस आया जहाँ पे मरीज को महज एक कमजोरी की शिकायत थी। डॉक्टर ने जब जांच किया तो पाया गया उसके पेट में गांठ, जो कि एक कैंसर का रूप ले चुका था। आइए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर प्रकाश भगत के पास, जिन्होंने इस केस को ऑपरेट किया है और ट्रीट किया है। मैं आपको हमारे एक मरीज श्री गणेश रज्जाक के बारे में बताना चाहता हूँ। गणेश जी रज्जाक की उम्र है 60 साल और ये बोकारो के रहने वाले हैं। ये हमारे पास 27 दिसंबर को आए थे कमज़ोरी की शिकायत लेकर के। हमने जांच की और जांच में हमने एंडोस्कोपी की, तो एंडोस्कोपी में हमने देखा कि इनकी पेट में एक बड़ी सारी गांठ है और उसमें से हमने एक बायोप्सी ली और उसकी जाँच की तो हमें कैंसर मिला। हमने और आगे जाँच की कि इनकी शरीर में कैंसर कितनी फैली हुई है, तो हमने CT स्कैन किया तो हमें पाया कि वो गांठ जो है पेट के बड़े हिस्से को पकड़ रखी है और उसके पीछे में पैंक्रियाज बोल के एक और दूसरा अंग रहता है जिसे भी वो पकड़ रहा है। हमने फिर ये निर्णय लिया कि इस अवस्था में इनकी जो बीमारी है वो लोकली एडवांस कैटेगरी में चली जाती है, जो अभी ऑपरेशन करने लायक नहीं है। इनके लिए सबसे बढ़िया इलाज होगा कि इन्हें हम सबसे पहले कीमोथेरेपी देंगे जिससे कि वो गांठ कम जाएगी, फिर उसके बाद फिर कमने के बाद फिर ऑपरेशन करने के लायक हालत में होगी। ये निर्णय ले करके हम लोगों ने इसकी कीमोथेरेपी शुरू की और इसे 4 साइकिल कीमोथेरेपी दिया फ्लॉट रेजिमेन बोल के। इनकी आखिरी कीमोथेरेपी हुई 29 अप्रैल 2022 को। उसके बाद हमने इनकी जो है जांच वगैरह की कि इनकी कैंसर की क्या अवस्था है। इसके लिए हमने पेट स्कैन पाया तो हमने देखा कि इनकी जो पेट में जो गांठ है वो पहले से काफ़ी कम गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी पेट के काफ़ी बड़े हिस्से को पकड़ के रखी हुई है और छोटी छोटी गांठें आसपास में है, लेकिन पैंक्रिया से जो गांठें थी वहाँ से वो गांठ अलग हो गई है। ये सोच के हमने निर्णय लिया कि इसकी जो है ठीक है, अब ऑपरेशन करने लायक अवस्था में पहुंच गए हैं और फिर हमने इन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार किया। इनके पेट में जो हमने ऑपरेशन किया है, इनका पेट हमने बीच से खोला है और ये जो हमने देख रहे हैं ये टांके हैं जो हमने खोले लगाए हैं। इनका पेट पूर्ण तरह नरम है और ये पाइप हमने लगाई है कि जिससे पेट के अंदर में ऑपरेशन के असर से यदि कुछ गंदा खून वगैरह तैयार हो तो वो निकल जाए और बाहर चला जाए। इनके नाक में हमने 2 पाइप लगाई है, ये फ्रेकास ट्यूब है जिसे हम खाने तरल पदार्थ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये राइल्स ट्यूब है जिसे हम यदि पेट में यदि कुछ रह जाए तो उसको वापस एस्पिरेट करके बाहर निकालते हैं। इनकी अभी अवस्था सही हो है, बिल्कुल धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं और इन्हें हमने मोजे पहनाए हैं जिन्हें हम टेस्ट टॉकिंग कहते हैं। ये मोजे इसलिए पहनाते हैं कि यदि कोई मरीज चलता फिरता नहीं है तो उसके पैरों में खून न जम जाए और उसे उस तरह की तकलीफ न हो। आज 4th दिन है इनके ऑपरेशन को और इनकी रिकवरी सेटिस्फैक्ट्री हो रही है। आज के दिन पेशेंट को हम इनक्रेज करते हैं कि वो थोड़ा चले फिरे और इनकी सांस की कसरत वगैरह भी करवाते हैं। इनका ऑपरेशन की जो हालत है वो सही है, टांकों में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, पेट एकदम हल्का और नरम है। धीरे धीरे इनकी हालत देखते हुए सुधार हो रहा है और उम्मीद की जाए कि इस तरीके से चलते रहे तो कुछ एक दिनों में ये पूर्ण रूप से सुधार हो जाएगा, फिर इन्हें हम घर छोड़ सकते हैं।